हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड कैम छो। तो डियर डिज़ाइन ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से दोस्तों हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की हम वीडियो में सीखेंगे जेंट्स ट्राउज़र की कटिंग, यानी हम पजामे की कटिंग सीखेंगे जेंट्स, जिसमें हम साइडों में जेब लगाते हैं और हम इसको थोड़ा पैंट स्टाइल लुक में बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, हमने कॉटन ली है मोटी वाली। एक आती है बारीक कॉटन जो कि हम कुर्तों में यूज़ करते हैं, और एक आती है मोटी कॉटन जिसके हम पजामे वगैरह बनाते हैं। तो हमने पजामे के लिए लिया है हल्का आसमानी कपड़ा, तो ये हमने मोटा है और इसलिए हमने इसको स्लिंग कर लिया है। ये कपड़ा थोड़ा और मोटा पड़ जाता है। कॉटन का कपड़ा आप कभी भी भिगोते हैं तो थोड़ा और स्लिंग करने के बाद थोड़ा और मोटा हो जाता है, तो इसलिए कभी भी कॉटन का कपड़ा आप कोई से भी लो उसको पहले स्लिंग कर लीजिए। तो हमने पहले इसको स्लिंग कर लिया था और अब हमने इसको बिछा दिया। जैसा अभी हमें इसकी लंबाई रखनी है 34 हमें इसकी लंबाई रखनी है, और 12 का इसमें पूरे में बॉक्स बना के हम इसको तैयार करते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब करेंगे हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने कपड़ा बिछा रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागे। और इसी के नीचे फिर हम इलास्टिक की नहीं छोड़ देते हैं, नाड़ा इलास्टिक जो भी आपको लगाना है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। फिर हमने इसके नीचे 1.5 इंच छोड़ दिया है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद फिर हम इसकी लंबाई का निशान लगा देते हैं। जितनी भी हमें इसकी लंबाई रखनी है, हमें 36 इसकी हमें रखनी है 33 लंबाई, तो हम 33 पे इसकी लंबाई का निशान लगा देते हैं। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। और अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन और कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको साइड से भी स्टिच करना है, क्योंकि हमें इसमें जेबें लगानी है। तो इसलिए डैश डैश करते हुए और इन लाइन को हम मिला देते हैं। अभी हमने यहाँ से मिला दिया है, और फिर इसके नीचे ही आधे आगे को करके आधा आधा इंच हम इसको थोड़ा और आगे आगे कर देते हैं। इसलिए हम आगे आगे कर रहे हैं आधा इंच, क्योंकि हमें स्टिच में लेके आना है, इसके बाद हमें स्टिच करनी है, तो वो हम आधा आधा इंच आगे कर देते हैं। ये हमने इस पे, ये तो हमारी फिटिंग का निशान हो गया, और इस पे हम सिलाई करेंगे। ये वाले निशान है, इस पर हम सिलाई करेंगे और यहाँ पे हम कट करेंगे। हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अपने हिप जितना भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको 36 से 30 कमर की बीच का बता रहा हूँ। ये हम 30 कमर वाले आराम से पहन सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं 9, और इसका हम म्यानी वाला बनाएंगे, क्योंकि बगैर म्यानी के पजामा जेंट्स में नहीं चलता है, तो इसलिए हम म्यानी बना लेते हैं। तो म्यानी के लिए हम 12 इसकी आसन रखेंगे हम 12, और फिर यहाँ पे भी 9 पे निशान लगा के इसको 9 का इस तरीके से हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। फिर हमें इसकी मोरी रखनी है, जितनी भी आपको रखनी है 12, तो हम इसकी मोरी रखेंगे 13, क्योंकि नॉन स्ट्रेच है तो हम 12 रखेंगे तो हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत करेगी। ये हो गया। तो अब हम इसके थाइस पे से नाप लेते हैं। जितनी भी आपकी थाई दो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो हम यहाँ से लेंगे इसको 8.5, 8.5 हमने लिया है, तो ये हमारी 19 हो गई थाइस। फिर यहाँ से हम हल्का हल्का इसको हम शेप दे देते हैं बगे किसी इंची टेप की मदद से। तो दोस्तों आप एक बार इसको ऐसे करके ट्राई करना, ये आपको अच्छा लगेगा और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम लेते हैं जेब का निशान। तो यहाँ से हम ये ऊपर वाली लाइन को छोड़ के और नीचे वाली लाइन पर इंची टेप को रख के यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाते हैं। 2 इंच के बाद फिर हम जेब की लंबाई रखेंगे 13, यहाँ से 6, तो हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ से हम इसमें मार्जिन कितना छोड़ेंगे, इसमें हम मार्जिन छोड़ेंगे ज़्यादा नहीं, हम इसमें छोड़ेंगे 1-1 इंच का मार्जिन, क्योंकि हम ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो ये हमारी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो अब हम इस पूरे मेजरमेंट को इस तरीके से, नीचे से तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं, ऊपर से यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से तो पूरा इस तरीके से कट करेंगे, और यहाँ से सीधा, और वहाँ से आगे वाली लाइन पे।
क्योंकि ये वाली लाइन हमारी फिटिंग की है, सिलाई आएगी वाले पे स्टिचिंग पे, और ये हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है। तो हम इसको पूरा मेजरमेंट के उस वाले को कट कर लेते हैं। तो हमने पूरा मेजरमेंट ही कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे इसकी हम मैनी कट कर लेते हैं। तो मैनी कट कर लेते हैं, नीचे से इसको राउंड शेप घुमा देते हैं हल्का, और इसकी हम ऐसे में लंबाई रखते हैं 4 इंच मियानी की। और ये हमारी मियानी कट चुकी है दोस्तों, हमारे जेंट्स पजामे का पूरा पैटर्न कट चुका है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ऐसे भी किसी भी तरीके की वीडियो आपको देखनी हो या जाननी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको हर वीडियो का सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।